आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे नगर की प्रमुख हलचलों पर। जारी है महापौर का एक्शन, शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से महापौर कर रहे हर दिन के साथ निरीक्षण। सफाई दरोगा को हिदायत देने के साथ अगली बार शिकायत मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। माँ महालक्ष्मी का जन्म उत्सव श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। महालक्ष्मी जी के चल समारोह में शहर विधायक चेतन काश्यप ने भी की शिरकत। रक्तदान जीवन दान के उद्देश्य को लेकर तेरा पंथ युवक परिषद द्वारा अपने स्थापना दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 900 यूनिट रक्तदान कर बनाया रिकॉर्ड। जन शिक्षण संस्थान रतलाम द्वारा विश्वकर्मा जयंती पर अलकापुर स्थित मुख्यालय पर कौशल दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन। महापौर प्रहलाद पटेल हर दिन के साथ शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। वार्ड क्रमांक 39 में प्रहलाद पटेल एक कांग्रेसी नेता की शिकायत पर निरीक्षण करने पहुंचे। निगम महापौर प्रहलाद पटेल, हर दिन के साथ आप शहर को स्वच्छ एवं सुंदर बनाने के लिए प्रयत्न करने में लगे हुए हैं। वार्ड क्रमांक 39 में प्रहलाद पटेल एक कांग्रेस नेता की शिकायत पर पहुंचे। कांग्रेस नेता का कहना था कि यहां पर नालियां चौक पड़ी हुई है और बारिश के समय पानी उनके घरों में भरा जाता है, जिसकी शिकायत पर क्षेत्रीय पार्षद दिलीप गांधी के साथ स्वास्थ्य प्रभारी विशाल शर्मा एवं निगम अधिकारी भी महापौर प्रहलाद पटेल के साथ पहुंचे। प्रहलाद पटेल ने वार्ड का निरीक्षण करते हुए क्षेत्रीय दरोगा को मौके पर ही आड़े हाथों लिया। महापौर का कहना था कि वार्ड में इतने सफाई कर्मचारी होने के बाद भी यदि सुचारू रूप से सफाई व्यवस्था नहीं चलती है तो यह गलत बात है। उन्होंने स्वयं नाली में उतरकर पैरों से नाली में जमा गाद को खोद कर गहराई नापने की कोशिश की, तब पता चला कि करीब नाली की गहराई 1 फीट के करीब है, वही मात्र 3 या 4 इंच गहरी ही दिखाई दे रही है, जिस पर उन्होंने वार्ड दरोगा को क्षेत्र की समुचित सफाई व्यवस्था करने के निर्देश दिए। अपने जितने भी कर्मचारी जो बोल रहे हैं खतरनाक कर दी, मैं भी संतुष्ट हूँ साहब, अच्छा काम हुआ, मैं भी चाहता हूँ। वही खाली पड़े प्लाट पर गंदगी देखकर प्लाट मालिक को नोटिस देकर तय समय सीमा में सफाई नहीं करवाता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए। गाड़ी आती है उसको उसको उठा के भरवा लेना चाहिए। और ये प्लाट किसका है? ये उसका वर्दो समरो कार्नर का। उनको एक बार उनको वार्निंग दे दो। जिनका भी प्लाट है इनको एक बार वार्निंग दे दो, नाम मोबाइल नंबर दे दीजिए इन दोनों के। सबसे बड़ी शहर में समस्या है नालियों की। नालियाँ काफ़ी समय से साफ हुई नहीं है, 1-1.5 फीट गाद उनके अंदर भरी हुई है। हम इसमें प्लान कर रहे हैं कि नालियाँ साफ करने के लिए ही एक गेंद बनाएंगे और वो सिर्फ नालियों पे ही काम करेंगे। बहुत जल्दी हम शहर को इस समस्या से मुक्त कर देंगे जी। यहाँ पे किस कोई सफाई मित्र वगैरह की लापरवाही वगैरह सामने आई है, आपने कुछ निर्देश वगैरह किए हैं? जी निर्देश किए हैं कि दरोगाओं की समस्या है, कुछ कर्मचारी पुराने हो गए, उनका कहना है कि इनको इधर से उधर वार्ड में करना पड़ेगा। ये लोग कहते हैं कि हमारी कर्मचारी बात नहीं मान रहे। क्षेत्रीय रहवासियों ने क्या कुछ समस्या वगैरह बताई है आपको, रुक के ये क्या परेशानी है? बारिश में पानी भरने की समस्या बता रहे हैं, नालियों की सफाई व्यवस्थित नहीं हो रही है, क्षेत्रवासी इस तरह की समस्या बता रहे हैं। शहर विधायक चेतन काश्यप एवं दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती के द्वारा माता रानी माँ लक्ष्मी की पूजा अर्चना की तथा आशीर्वाद लिया। शहर विधायक चेतन काश्यप एवं दंडी स्वामी आत्मानंद सरस्वती के द्वारा माता रानी महालक्ष्मी की पूजा अर्चना की तथा आशीर्वाद लिया। समिति की ओर से शहर विधायक का शॉल श्रीफल एवं स्मृति चिन्ह प्रदान कर सम्मान किया गया।
विधायक जी चल समारोह का शुभारंभ कर रानी जी के मंदिर की ओर रवाना हुए। वहां से समाज जन माणक चौक स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचे, जय माता रानी की आरती कर दर्शन लाभ लिए। इसके बाद चल समारोह डालू मोदी बाजार चौराहे से पैलेस रोड स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचा, जहां समाज जनों ने महालक्ष्मी जी की पूजा अर्चना कर आशीर्वाद लिया। उसके बाद चल समारोह मठ स्थित महालक्ष्मी मंदिर पहुंचा, जहां पूजा अर्चना की। इसके बाद श्रीमाली वास स्थित महालक्ष्मी मंदिर पर महापौर प्रहलाद पटेल एवं समाज जनों ने पूजा आरती कर दर्शन लाभ लिया। इसके बाद समाज जन श्री श्रीमाली ब्राह्मण धर्मशाला में एकत्रित होकर रात्रि 12 बजे माता रानी की महाआरती कर समाज शहर देश की सुख समृद्धि उन्नति की प्रार्थना की तथा सभी समाज जनों ने खीर एवं पेठे की प्रसादी ग्रहण की। इसके बाद प्रातः 10 बजे श्री श्रीमाली ब्राह्मण धर्मशाला में प्रबंध कारिणी समिति की ओर से समिति अध्यक्ष प्रकाश व्यास, अविनाश व्यास, चेतन व्यास आदि की उपस्थिति में पंडित संजय शिवशंकर दवे के सानिध्य में महालक्ष्मी का हवन पूजन एवं आरती कर दर्शन लाभ लिया तथा प्रसादी वितरण की गई। इस अवसर पर डॉक्टर दीप व्यास, डॉक्टर राजीव दशोत्तर, धर्मेंद्र व्यास, पार्षद दीपक व्यास, आनंद व्यास, जनार्दन व्यास, चंद्रकांत व्यास, विभोर कोटिया, अरुणेश, भूपेंद्र व्यास, उपेंद्र ओझा, प्रदीप ओझा, मयंक दवे, गोपाल दशोत्तर, महेश ओझा आदि उपस्थित रहे। रतलाम में अखिल भारतीय तेरा पंथ युवक परिषद रक्तदान शिविर का आयोजन किया, जिसमें 900 यूनिट से ज्यादा ब्लड एकत्र किया गया। इस आयोजन को लेकर सभी वर्गों में खास उत्साह देखने को मिला। खास तौर पर युवा महिलाएं और हर उम्र का शख्स रक्तदान करने के लिए रोटरी हॉल पहुंचा और बड़ी संख्या में लोगों ने उत्साह के साथ यहां रक्तदान किया। इस मौके पर रतलाम शहर विधायक चेतन काश्यप और सांसद गुमान सिंह डामोर रोटरी हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने इस आयोजन की जमकर तारीफ की और रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। जिले में 4 स्थानों पर तेरा पंथ युवक परिषद ने ब्लड डोनेशन कैंप का आयोजन किया था, जिसमें रतलाम, जावरा, रावटी और बिरमावल क्षेत्र प्रमुख है। जन शिक्षण संस्थान रतलाम द्वारा भारत शासन के निर्देशानुसार विश्वकर्मा जयंती पर मुख्यालय पर कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। जन शिक्षण संस्थान रतलाम द्वारा भारत शासन के निर्देशानुसार विश्वकर्मा जयंती पर अलकापुर स्थित मुख्यालय पर कौशल दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें वर्ष 2021-22 में प्रशिक्षण प्राप्त उत्तीर्ण परीक्षार्थियों को कौशल दीक्षांत में प्रमाण पत्र प्रदान कर सम्मानित किया गया। समारोह एवं संस्थान के अध्यक्ष भाजपा के प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य के सिंह कालूखेड़ा, विशेष अतिथि निमिष व्यास, नवनिर्वाचित अलकापुरी वार्ड पार्षद श्रीमती देवश्री मयूर पुरोहित, संस्थान निर्देशक श्रीमती कल्पना पुरोहित, प्रोग्राम अधिकारी आर.एस. तोमर, रघुवीर सिंह सिसोदिया, समस्त अनुदेशिका व जावरा रतलाम के ग्रामीण क्षेत्र के प्रशिक्षण प्राप्त लगभग 672 परीक्षार्थी उपस्थित रहे। कार्यक्रम का संचालन धर्मेंद्र व्यास ने किया व आभार रघुवीर सिंह ने व्यक्त किया। जन शिक्षण संस्थान द्वारा केंद्रीय सरकार के निर्देशन में दीक्षांत समारोह रखा गया। आपको विभिन्न प्रकार का प्रशिक्षण इस संस्थान से प्राप्त होता है, जिससे आप अपना कौशल विकास कर सकें और साथ ही अपना रोजगार भी प्राप्त कर सकें। इस प्रकार के प्रशिक्षण प्रतिवर्ष जन शिक्षण संस्थान द्वारा आयोजित किए जाते हैं और आगे भी हम लोग करते रहे। माननीय मोदी जी का भी आज प्रधानमंत्री जी का जन्मदिवस है, वो भी देश के विश्वकर्मा है कि हमारे देश की रचना और देश को नए दौर पर ले जा रहे हैं। मैं आप सबको यहाँ बधाने के लिए
और इस संस्थान के इस कार्यक्रम को गौरवमय बनाने के लिए धन्यवाद देता हूँ। मुख्यमंत्री प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों को उनके हक का महंगाई राहत समय समय पर नहीं देकर पेंशनर्स पेंशन परिवार के आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री प्रदेश के 5 लाख पेंशनरों को उनके हक का महंगाई राहत समय समय पर नहीं देकर पेंशनर्स पेंशन परिवार के आर्थिक रूप से प्रताड़ित कर रहे हैं, इसलिए राज्य पेंशनर्स पुनः अपनी न्यायोचित ज्वलन मांगों को लेकर तहसीलों एवं जिला मुख्यालयों पर भूख हड़ताल धरना आंदोलन प्रदर्शन करना जरूरी है। यह बात पेंशनर एसोसिएशन मध्य प्रदेश रतलाम की पेंशनर्स बैठक में उप प्रांत अध्यक्ष कीर्ति कुमार शर्मा ने कही। शर्मा ने कहा कि प्रदेश सरकार मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49(6) की सहमति का अनर्गल एवं औचित्य हित आड़ लेकर पेंशनरों के साथ लगातार कुठाराघात कर रही है। अब आंदोलन ही सही रास्ता है। कार्यकारी अध्यक्ष एमएल भट्ट ने आंदोलन का पुरजोर समर्थन करते हुए पेंशनर साथियों से संगठन के प्रति प्रतिबद्ध होकर संघर्ष को सफल बनाने की अपील की। कार्यक्रम में विशेष सहयोग अश्विनी शर्मा का रहा आभार प्रेम कुमार बेनावत ने माना। गायत्री शक्तिपीठ शंकरगढ़ रतलाम पर गायत्री परिवार द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय युवा शिविर आयोजित किया गया। गायत्री शक्ति पीठ शंकरगढ़ रतलाम पर गायत्री परिवार द्वारा एक दिवसीय जिला स्तरीय युवा शिविर आयोजित किया गया। शिविर में रतलाम जिले के विभिन्न तहसीलों से युवा परिजनों ने सहभागिता की। कार्यक्रम में गायत्री परिवार के मध्य जोन समन्वयक राजेश पटेल एवं प्रांतीय युवा समन्वयक विवेक चौधरी ने मुख्य वक्ता के रूप में उपस्थित परिजनों को संबोधित किया। स्वागत भाषण जिला युवा समन्वयक अर्जुन सिंह चौहान ने तथा आभार के शब्द मुख्य ट्रस्टी पाती राम शर्मा ने व्यक्त किए। अतिथियों ने देव मंच पर दीप प्रज्वलित एवं पुष्पार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में ग्रहे ग्रहे गायत्री यज्ञ अभियान में उत्कृष्ट कार्य करने के लिए रामलाल जी एवं लाला शंकर पाटीदार का सम्मान किया गया। आगामी 24 कुंडी गायत्री महायज्ञ के लिए प्रभु एवं संगीता राठौड़ तथा पर्यावरण आंदोलन में उल्लेखनीय योगदान देने के लिए संध्या एवं सूर्य प्रकाश शर्मा का सम्मान किया गया। आगामी जनवरी माह में रतलाम शहर में प्रस्तावित 24 कुंडली गायत्री यज्ञ एवं प्रज्ञा पुराण कथा के संदर्भ में शहर के परिजनों ने गोष्ठी भी की। मुख्य अतिथि राजेश पटेल ने अपने उद्बोधन में युग ऋषि पूज्य गुरुदेव ने धर्म तंत्र से लोक शिक्षण को अपना माध्यम बनाया। उनके प्रयासों के बदौलत आज गायत्री परिवार बाल संस्कार शाला एवं युवा जागृति अभियान जैसे आंदोलनों के माध्यम से देश समाज की युवा शक्ति को सकारात्मक दिशा में ले जाने का प्रयास कर रहा है। विशेष अतिथि विवेक चौधरी ने गायत्री परिवार युवा प्रकोष्ठ द्वारा प्रांत एवं देश भर में चलाए जा रहे विभिन्न अभियानों की जानकारी उपस्थित परिजनों के साथ साझा की। एक अकेला व्यक्ति प्रयास तो कर रहा है, उसका प्रयास निरर्थक नहीं जा रहा है। उसने दो साधना आंदोलन मतलब जिस प्रकार से आपके घर में ग्रह ग्रह गायत्री के माध्यम से लोग आए, आपको इस बात की प्रेरणा दी कि प्रतिदिन गायत्री की साधना करना है, चालीसा करना है, या भाई साहब कह रहे थे प्रति सप्ताह इकट्ठे होकर सामूहिक साधना करना है, उस प्रकार का एक साधना का कर ही नहीं विद्या भी। हम लोग कहते हैं कि विद्यार्थी बने अर्थात विद्या का अर्जन करने वाला व्यक्ति बने, शिक्षार्थी नहीं। टीआईटी रोड जैन मंदिर उपाश्रय से साध्वी अर्चिता श्री जी साध्वी आनंदित श्री जी महाराज साहब की पावन निशा में 18 दिवस की गौतम लब्धि कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। रतलाम टीआईटी रोड जैन मंदिर उपाश्रय से साध्वी अर्चिता श्री जी व साध्वी आनंदित श्री जी महाराज साहब की पावन निशा में 18 दिवस की गौतम लब्धि कलश यात्रा का शुभारंभ हुआ। यात्रा मुख्य लाभार्थी परिवार के घर पहुंचकर गौतम लब्धि कलश यात्रा को केंद्र बनाकर सुबह 9:30 बजे से शाम 5 बजे तक महामंत्र नवकार का जाप किया जाएगा। इस प्रकार दिनांक 10 सितंबर 2022 से 27 सितंबर 2022 तक 18 दिन तक अलग अलग लाभार्थी के यहाँ श्री गौतम लब्धि यात्रा के माध्यम से सुबह से शाम तक दिनभर महामंत्र नवकार के जाप किए जाएंगे। दूसरे दिन फिर यात्रा के माध्यम से अगले लाभार्थी के यहाँ श्री गौतम लब्धि यात्रा पहुंचेगी। यात्रा टीआईटी रोड मंदिर जैन उपाश्रय से प्रारंभ होकर मुख्य लाभार्थी राजमल जी अनिल कुमार जी बोहरा परिवार के निवास पर पहुंची। यात्रा में पूर्व गृह मंत्री हिम्मत कोठारी, टीआईटी रोड जैन मंदिर उपाश्रय के ट्रस्टी प्रकाश दरड़ा, नरेंद्र कावड़िया, विजय गादिया, मनोहर पोरवाल, वार्ड पार्षद योगेश पापटवाल, सुरेश पापटवाल, अजय गोखरू आदि अनेकों श्रावक श्राविका की श्री गौतम लब्धि यात्रा में उपस्थित थी। यात्रा की समाप्ति के पश्चात मुख्य लाभार्थी ने नवकारसी का आयोजन रखा गया।
आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलेंगे नई हलचलों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जारी है महापौर का एक्शन, शहर को स्वच्छ व सुंदर बनाने के उद्देश्य से महापौर कर रहे हर दिन के साथ निरीक्षण। सफाई दरोगा को हिदायत देने के साथ अगली बार शिकायत मिलने पर कार्रवाई की दी चेतावनी। माँ महालक्ष्मी का जन्म उत्सव श्री श्रीमाली ब्राह्मण समाज द्वारा धूमधाम के साथ मनाया गया। महालक्ष्मी जी के चल समारोह में शहर विधायक चेतन काश्यप ने भी की शिरकत। रक्तदान जीवन दान के उद्देश्य को लेकर 13 पंथ युवक परिषद द्वारा अपने स्थापना दिवस के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में 900 यूनिट रक्तदान कर बनाया रिकॉर्ड। जन शिक्षण संस्थान रतलाम द्वारा विश्वकर्मा जयंती पर अलकापुर स्थित मुख्यालय पर कौशल दीक्षांत समारोह का किया गया आयोजन।